नमस्ते बच्चों, आज हम गैफी और उसके पापा मैनी की एक दिलचस्प कहानी सुनेंगे और 20 तक बिना उधार के घटाव करना सीखेंगे। गैफी के पापा आज आलू की सब्जी बना रहे हैं। उसके पास एक टोकरी में 17 आलू हैं। उन्होंने टोकरी से 5 आलू निकाले। बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं टोकरी में अब कितने आलू बचे हैं? इसका हल ढूंढने के लिए हमें 17 में 5 घटाना होगा। पहले हम इस तरह से दोनों संख्याओं को खड़े घटाव के रूप में लिखेंगे, फिर हम इकाई में लिखी संख्याओं को घटाएंगे। 7 में 5 घटाव हो गए 2। इसे हम यहाँ इकाई के भाग में लिखेंगे। अब हम दहाई में लिखी हुई संख्याओं को घटाएंगे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 1 है, इसलिए हम दहाई के भाग के नीचे 1 लिखेंगे। इस तरह 17 में 5 घटाव हो गए 12। टोकरी में अब कुल 12 आलू बचे हैं। गैफी के पापा ने आलू की सब्जी के साथ कुछ रोटियां भी बनाई है। उन्होंने 19 रोटियां बनाई, जिसमें से 8 रोटियां गैफी ने खा ली। गैफी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अब हमारे पास कितनी रोटियां बची है? पापा, इसका हल ढूंढने के लिए हमें 19 में से 8 को घटाना होगा। पहले हम इस तरह से दोनों संख्याओं को खड़े घटाव के रूप में लिखेंगे, फिर हम इकाई वाले भाग में लिखी संख्याओं को घटाएंगे। 9 में 8 को घटाया तो हो गए 1। इसे हम इकाई वाले भाग के नीचे यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद हम दहाई भाग में लिखी संख्याओं को घटाएंगे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 1 है, तो हम दहाई के भाग के नीचे 1 लिखेंगे। इस तरह 19 घटाओ 8 हो गए 11। पापा, हमारे पास 11 रोटियां बची हैं। अब बच्चों, दो संख्याओं को घटाने की आपकी बारी है। गैफी के पापा को लड्डू खाना बहुत पसंद है। घर में 15 लड्डू हैं। गैफी के पापा ने 2 लड्डू खा लिए। क्या आप बता सकते हैं घर में अब कितने लड्डू बचे हैं? उत्तर खोजें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने 20 तक बिना उधार के घटाव करना सीखा।